27th, a source of sound S and a detector are placed at some distance from each other. कितनी है ये नहीं पता. A big cardboard is placed near the detector and perpendicular to the line. ये लाइन है इसके, ये क्या perpendicular है, ये लाइन है, ऐसे रखा हुआ कार्डबोर्ड. इट इज ग्रेजुअली मूव्ड अवे, इसको इधर लेके जाना है, मूव्ड अवे. इट इज फाउंड दैट द इंटेंसिटी चेंजेस फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम. मैक्सिमम से मिनिमम चेंज हो रही है तो इसका पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, तो पाथ डिफरेंस जो है लैम्डा बाई टू होगा. द बोर्ड मूव थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर. जब ये कार्डबोर्ड जो है इस पोजीशन में आ जाता है, यानी ये जो है 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम से मिनिमम हो जाती है. यानी ये जो पाथ डिफरेंस आएगा इसकी वजह से लैम्डा बाई टू होगा, ठीक है. और हमें फ्रिक्वेंसी निकालनी है, साउंड की वेलोसिटी दी हुई है. तो वेव्स जो है कैसे जा रही है, पहले जो थी एक वेव जो है इससे डायरेक्ट गई इसके पास, दूसरी वेव जो है रिफ्लेक्शन के बाद इस पे गई. इन दोनों ने सुपरपोज होके मैक्सिमा बनाया. अब न्यू कंडीशन में एक वेव जो है ऐसे गई रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो इधर आई, और दूसरी वेव जो ऐसे गई. तो अब इसने कितना एक्स्ट्रा पाथ तय किया पहले के कंपैरिजन में, तो ये वाला, इस ये वाला पाथ तो क्या सेम है. इसने ये जो सेकंड वाला है इसने इसके कंपैरिजन में कितना एक्स्ट्रा तय किया है, ये वाली डिस्टेंस प्लस ये वाली डिस्टेंस, यानी जो एक्स्ट्रा पाथ है, एक्स्ट्रा पाथ वो कितना है 40 सेंटीमीटर है, डबल होगा इधर जाने में और फिर वापिस आने में. इसने एक्स्ट्रा पाथ जो है वो तय किया है. और ये किसके बराबर होगा, लैम्डा बाई टू के बराबर होगा. लैम्डा किसके बराबर, 80 सेंटीमीटर हो जाएगा या 0.8 मीटर हो जाएगा. हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ. ये 336 अपॉन 0.8, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 8 4 32 बच गया, 1 8 4 8 1 8 336 था, सॉरी 8 4 32 8 2 16 0 420 हर्ट्ज हो जाएगा. जो इसकी फ्रिक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, 420 हर्ट्ज होगी.